Hi guys. Hi guys, this is Amanpreet and welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well at your places. And in this video, I'm gonna talk about my Nykaa haul, Nykaa purchases actually. So this video is gonna be a huge Nykaa haul. Or as I told you in previous video that I will be uploading a Nykaa haul video क्योंकि तब तक products received नहीं हुए थे तो that's why मैं उसको पहली वाली video में include नहीं कर पाई. So without wasting time, let's get into the video. और ये सारे products मैंने तब लिए हैं जब वहाँ पर summer super से sale चल रही थी. Sorry. तो अभी without wasting time, let's get into the video. So I purchased skincare products, hair care products and some makeup products from them. And one more thing, मैं वहाँ पे purple के भी मुझे कुछ products बाद में receive हुए थे तो इस video में मैं वो भी include रखूँगी. और मतलब कुछ products हैं just normal 2-3 I guess, बाकी सारे Nykaa से हैं. So I'm thinking कि पहले जो purple के कुछ remaining products हैं वही review कर लूँ. So let's open this. ये मैंने लिया है लोटस हर्बल का डीडी क्रीम. एक्चुअली ये काफ़ी हाइप प्रोडक्ट है सो दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव दिस अ ट्राई. आई डोंट नो ये कैसा होगा क्योंकि मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है. इट कम्स विद एसपीएफ 20 और ये सारी स्किन टाइप्स के लिए सूट हो जाएगा. और इसको एज यू कैन सी इट्स टेक्सचर इज़ क्वाइट गुड. आई डोंट नो ये स्किन पे कैसा ब्लेंड होगा. एक सेकेंड लेट्स सी. आई डोंट नो अभी मैं इसको बता नहीं सकती बट आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है एज यू कैन सी ना. सो विल यूज इट एंड विल टेल यू पीपल. नेक्स्ट आई हैव दिस स्टे क्विकी का बैड एस काजल. और काजल मैंने काफ़ी कम यूज़ करती हूँ क्योंकि काजल मेरी आंखों को सूट नहीं करता. मुझे एलर्जी है काजल से. जो मर्जी काजल लगाऊँ मैं मुझे स्मज होता ही होता है. बेशक वो 24 आवर प्रूफ हो या कुछ भी हो बट मुझे वो स्मज होता ही है. मेरी आईज़ को ऊपर से वहाँ पे उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है. सो दैट्स वाई मैं काजल यूज़ नहीं करती हूँ. बट आई डोंट नो मुझे काफ़ी देर से लाइक अबाउट वन एंड हाफ ईयर हो गए होंगे मैंने काजल यूज़ नहीं किया है. सो आई थॉट कि यार लेट्स गिव अ ट्राई. सो दैट्स वाई लेट्स ओपन दिस. सो दिस इज इट्स पैकेजिंग. और ये यार ये काफ़ी स्मूथ है. देखो इसकी मुझे अच्छा लगा ये ना. आई लाइक इट. अब पता नहीं मेरी आंखों में कैसा रहता है बट ऐसे तो इसका जो टेक्सचर है वो अच्छा है. ये सारे जो हैं मतलब जैसे लाइक स्टे क्विकी है और क्या नाम है उसका, हाँ और एन वाई वे है. ये जो है ये पर्पल के इनबिल्ट ब्रांड हैं लाइक. और ये एन वाई वे का एक मुझे आई शेडो फ्री मिला. ओ माई गॉड फ्री. सीरियसली ये मुझे फ्री मिला लाइक वहाँ पे ना समथिंग दैट क्या बोलते हैं उसको यार मुझे याद नहीं आ रहा. तो वहाँ पे उसको स्पिन, हाँ व्हील ना स्पिन करो तो तुम्हें कुछ मिलता है. तो जब मैंने स्पिन किया तो मुझे ये निकला. सो मुझे ये फ्री मिला. लुक एट दिस है ना क्यूट है ना. तो इसकी लेट्स सी कि इसकी पिगमेंटेशन कैसी है. ओ वाओ दिस इज़ क्वाइट पिगमेंटेड यार. इफ़ यू गाइज वॉन्ट एनी रिव्यू ऑफ माई ऑल दीज प्रोडक्ट्स दैन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन क्योंकि फिर मैं उस पर अलग से वीडियो एक बना दूँगी आपके लिए. और द नेक्स्ट वन इज़ दिस वाओ का एलोवेरा हाइड्रेटिंग आफ्टर सन सूदिंग जेल. और ये भी मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. वैसे मैंने वाओ के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है. और इसमें कोई भी मतलब नो पैराबिन्स, नो सिलिकन्स. और इसमें एलोवेरा जूस है, एलो लीफ जूस है और हाइलोरोनिक एसिड भी है. सो दिस कम्स विद इट्स पैकेजिंग इज दिस. मैंने खोल लिया, अभी खोला आपके सामने. तो ये है इसकी पैकेजिंग. तो मुझे नहीं पता ये कैसा होगा क्योंकि मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं बाहर नहीं गई अभी तक. सो एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 299. ओ सॉरी मैं भूल गई, जितने भी सारे प्रोडक्ट्स होंगे उसकी जो प्राइजेज हैं वो स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएंगी.
The next one is this Wow ka Upton body face and body scrub. This is like this और इसमें भी no sulfates. Actually Wow के जितने भी products हैं उनमें किसी में भी sulfates, silicon, snow harsh chemicals कुछ भी नहीं है और ये सारे जो हैं मतलब herbal products हैं, काफ़ी natural ingredients से ये बनाते हैं. और इसमें एक मुझे एक पुस्तक भी मिली है इसको मैं पढ़ने तो वाली हूँ नहीं वैसे भी. एंड इट कम्स विद दिस क्यूट पैकेजिंग. मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी. तो अब मुझे ना एक चीज़ नहीं समझ आई इसमें, ये अपर है या ये लोअर है, तो मुझे देखना पड़ेगा. ये अपर है यार. सो दिस इज बंद है ये यार, अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है तो इसका रिव्यू मैं नहीं दे सकती अभी तक. और हाँ, इसमें टर्मरिक और सैफ्रॉन तो है, ये मुझे पता है क्योंकि जब मैंने इसको बाय किया था मैंने वो दो इंग्रेडिएंट्स देख के ही बाय किया था यार. सो बिग थम्स अप फॉर दिस आल्सो. सो ये वही सारे प्रोडक्ट्स थे जो मैंने पर्पल से लिए थे और मैं पिछली वीडियो में इंक्लूड करना भूल गई थी क्योंकि मुझे लास्ट में मतलब काफ़ी लेट रिसीव हुए थे. सो अब हम करेंगे नायका का हॉल शुरू. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट फ्रॉम नायका इज़ दिस मेबेलिन का फिट मी प्राइमर, दिस वन. और इसको मैंने पहले यूज़ नहीं किया है बट इससे पहले मैंने नायका का प्राइमर यूज़ किया एंड इट वॉज अमेजिंग यार, सीरियसली अमेजिंग. इतने अच्छे से ब्लेंड होता है वो स्किन में और मैं इसको एक ट्राई देना चाहती थी सो दैट्स वाई आई बॉट दिस. और इसको मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक. सो इट कम्स विद दिस पैकेजिंग और ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए यूज़ हो जाएगा और मेरी ऑयली स्किन है, मुझे आई गेस हो जाएगा सूट. आई गॉट दिस यार्डले लंडन का इंग्लिश लेवेंडर परफ्यूम टैल्क और क्योंकि मेरे पास कोई परफ्यूम टैल्क नहीं था सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू गिव दिस अ ट्राई. और मेरे हिसाब से इसकी फ्रेगरेंस इज ऑफ माई टाइप. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस एंड देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस. द नेक्स्ट इज दिस वेरी हाइप प्रोडक्ट. एक्चुअली मैंने इंटरनेट पे हर जगह ये प्रोडक्ट देखा है और सीरियसली मुझे ये लगा कि आई शुड गिव दिस अ ट्राई. सो दिस वन इज़ लॉरियल पेरिस का ये ड्रीम लेंथ. सीरियसली यार, इस प्रोडक्ट ने ना पूरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे दवाई मचाई हुई है. सो दैट्स वाई आई वॉन्ट कि मैं इसको एक बार यूज़ करूँ ना. ये लॉरियल पेरिस का ड्रीम लेंथ ये है, हेयर कट, नो हेयर कट क्रीम, सॉरी नो हेयर कट क्रीम है ये. आपके एक्सपीरियंस को अच्छे से वो सील करती है जैसे कि मैंने सुना है. बट मैंने इसको ना एक बार, एक ही चीज़ है, मैंने इसको दो बार यूज़ कर लिया. सीरियसली यार, इसकी हाइप होना वर्थ है. सीरियसली ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है एक्चुअली, आई डोंट नो इट्स प्राइस. तो जो भी होंगे मैं स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएंगे. बट दिस वन ऑल्सो बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड. एंड द नेक्स्ट वन इज दिस लॉरियल पेरिस का ड्रीम लेंथ शैम्पू और इसको भी मैंने ट्राई कर देना था सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस. और इसमें कैस्ट्रोल और कैरेटिन है जो कि हेयर को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है और कैरेटिन हमारे जैसे हेयर प्रोटीन है सो इट रिपेयर्स लॉन्ग डैमेज हेयर और मेरे हेयर लॉन्ग हैं सो दैट्स व्हाई मुझे उसके स्प्रिटेंट गायब करने हैं. सो आई बॉट दिस. और वैसे भी मैंने काफ़ी इसका भी सुना है कि दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट. सो लेट्स गिव अ ट्राई एंड सी. हाँ, और एक और चीज़ मैंने इसी का एक और लिया है लाइक लॉरियल का ये ड्रीम लेंथ सेवियर मास्क, ये इसी का है, ये इसी के साथ था. बस एक चीज़ मेरे से मिस हो गई, मेरा कंडीशनर नहीं आया यार. वो शायद समथिंग किसी रीज़न की वजह से उनको कैंसिल करना पड़ा. बाकी सारे प्रोडक्ट्स मेरे को रिसीव हो गए हैं और मैंने हेयर मास्क पहले कभी यूज़ नहीं किया है. सो लेट मी टेल यू इट्स फ्रेग्रेंस यार अच्छी है. पता कैसी स्मेल है, लाइक जैसे एक फ्रूटी स्मेल होती है ना, लाइक वैसी है, वैसी फ्रेग्रेंस है इसकी. एज यू कैन सी मैंने इसको यूज़ एक बार किया है तो मुझे तो अच्छा लगा ये प्रोडक्ट. लाइक मेरी तरफ से बिग थम्स अप. और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स इसकी ऐड दे रहे हैं यार, सीरियसली अच्छा प्रोडक्ट है. आई विल गिव इट 5 out of 5. वन इज़ दिस मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर और ये है शेड मॉल्टन गोल्ड में. और मैंने ये वाला हाइलाइटर कभी पहले यूज़ नहीं किया है. एक्चुअली कोई भी हाइलाइटर यूज़ नहीं किया यार मैंने, मेरे को आता नहीं हाइलाइटर अप्लाई करना.
ये है, लेट्स सी इट्स पिगमेंटेशन। यार मुझे खोलना ही नहीं आ रहा, मैंने लगाना क्या है। अच्छा सॉरी, मैं उल्टे तरीके से खोल रही थी, खुल ही नहीं रहा। अब मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा ये रियल मतलब खुलना कहाँ से है। फिर से फंस गई हूँ मैं, खुल गया। सो दिस इज इट्स लुक, और इसकी पिगमेंटेशन आई डोंट नो कैसी है यार। इट्स पिगमेंटेशन इज क्वाइट गुड यार, वाओ सीरियसली कितना मस्त हाइलाइटर है यार। देखो यार कैमरे में साफ नहीं दिख रहा, बड़ा मस्त है यार सीरियसली। मैं इसको चाहती हूँ मैं इसको यूज़ करूँ, मैं फटाफट से यूट्यूब वीडियोस देखने वाली हूँ यार इसको कैसे अप्लाई करना है। कसम से मुझे ना कसम से प्यार हो गया इससे यार, कितना अच्छा है यार इसका हाइलाइटर, ऐसे जैसे सच्ची में तुम्हारी रियल स्किन ही ऐसी है। बिग थम्स अप। एंड द नेक्स्ट वन इज़ दिस NY बेका वाइट काजल। सो आई वॉन्ट टू ट्राई दिस एक्चुअली। मुझे मतलब मैंने सुना है कि अगर हम वाइट काजल लगाते हैं तो हमारी आईज़ बड़ी बड़ी लगती हैं, सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू ट्राई दिस। लेट्स सी बड़ी बड़ी कितनी बड़ी लगती है यार। सो ये ट्राई करूँगी मैं एंड विल टेल यू कि ये कैसा है। और इसकी पिगमेंटेशन ऐसी है जैसे आप देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज दिस गुड वाइफ का कुकुम्बर फेस मास्क, और ये भी मैंने बबल से ही बाय किया है क्योंकि गुड वाइफ्स और गुड वाइफ्स NY बे और स्टे क्विर्की ये सारे जो हैं पर्पल के खुद के ब्रांड्स हैं और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ना ये। हाँ दिस वन इज दिस गुड वाइफ्स का कुकुम्बर का फेस मास्क, और अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये पैक है, और जब मुझे इसको यूज़ करना होगा तो मैं इसके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी। इफ़ यू गाइज वॉन्ट देन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और इस पर लिखा है कि ये कूलिंग शीट मास्क है, लाइक मेरे स्किन को काफ़ी ठंडक मिलने वाली है यार गर्मियों में। एंड द लास्ट वन इज दिस यार्डले का पॉकेट परफ्यूम। पॉकेट परफ्यूम है ये और इट कॉस्ट मी अराउंड 70 रुपीज़, और ये काफ़ी अच्छा है, लाइक पॉकेट में आ जाएगा यार। मैंने ऐसे ही इसको ट्राई करने के लिए लिया है। एक्चुअली मेरे पास ये पहले से भी था बट ये ख़त्म हो गया था, सो दैट्स वाई आई बॉट दिस कॉम्पैक्ट परफ्यूम फ्रॉम यार्डले लंडन। और इसकी फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी है यार, आई लव दिस सीरियसली, बिग थम्स अप। सो द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस डव का केयर बिटवीन वॉशेज। एक्चुअली ये जो है उस टाइम पे हमारी हेल्प करेगा जब हमने शैम्पू नहीं करना होता, और मुझे अगर हफ्ते में 2-3 बार शूट करना पड़े तो मैं इतनी बार हेयर वॉश नहीं कर सकती क्योंकि ज़्यादा बार वॉश करने से जो हेयर के नेचुरल ऑयल्स हैं वो निकल जाते हैं। सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू यूज़ दिस। और मुझे एक्चुअली ये लॉरियल का चाहिए था बट वहाँ पे था नहीं, काफ़ी देर से आउट ऑफ स्टॉक था, सो आई थॉट कि यही ट्राई कर लें, यही ले लेते हैं। तो ये वॉल्यूम ड्राई शैम्पू है, इसको जस्ट हमने क्या करना होता है मतलब बाल लेके उसमें ऐसे जस्ट स्प्रे करना है, ओनली हैव टू स्प्रे, और 2-3 मिनट के लिए मसाज करो और उसी टाइम आपके बालों को वॉल्यूम मिल जाएगा और ऐसा लगेगा कि लाइक यू हैव डन शैम्पू अभी जस्ट ना। तो बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड टू दिस प्रोडक्ट यार। सो या ये था हमारा आज का हॉल वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कॉमेंट एंड शेयर, एंड लेट मी नो कि मैं नेक्स्ट हॉल कौन सा बनाऊँ। और एक और चीज़, अभी भी नायका पे और पर्पल पे ना काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफ और सेल चल रही होती हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हो। और कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी डाउट हो यू कैन मैसेज मी, आई विल पुट माई इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देम। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड। और हाँ, जो जो चैनल पे न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय।